आप ना मुझे पनीर की सब्जी बना के देते हो, शाही पनीर बना के देते हो, दाल बना के देते हो, अभी बनाने लग रहे हो, रोटी बना के देते हो, चाय बना के देते हो, दूध करके देते हो, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे सर्दियों में जो आप रम का एक ढक्कन गर्म पानी में मिला के देते हो ना। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सर्दी कभी जाए ना और गर्मी कभी आए ना। सही माया नज़ारा आया, ठंड लग रही मुझे, लिया पैक में। मानो या ना मानो खेतों में यूरिया खाद लगा है, अरे मानो या ना मानो खेतों में यूरिया खाद लगा है, इसकी गिल्लो बेशक मैं पनीर ते रोटी खा लूं पर अपनी साली गिल्लो तो नमक गिल्लो भी रोटी स्वाद लगा है। खा रहा हूँ मैं मजाक कर रहा था। मैंने जो क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं ऊट पटांग नहीं है। आपके घर की जो दूरी है वो यहाँ से 100 किलोमीटर है, ठीक है जी। अगर आपको 10 चक्कर लगे आपके तो आप कितने किलोमीटर चलोगे? पैदल। हाँ पैदल लगा लो, चाहे बाइक पे लगा लो, चाहे कार पे लगा लो, मतलब 100 किलोमीटर है और आपको 10 चक्कर लगाने तो आप कितने किलोमीटर चलोगे? पैदल। हाँ पैदल, पैदल तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चलती। वैसे पता चल बाइक से बस से कितने कितनी कितने किलोमीटर चलोगे आप अगर 10 चक्कर लगेंगे आपके? यार 10 तो लगा नहीं सकता एक दिन में, पूरा दिन फिर लगा दिए चल समझ ले, पर लग गए पता कितने किलोमीटर चलेगा अगर 100 किलोमीटर एक साइड है तो 10 चक्कर कितने किलोमीटर में लगेंगे? 20,000। लव मैरिज करने वाला इंसान और अरेंज मैरिज करने वाला इंसान दोनों ही पछतावे है। दोनों में से खुश कौन रहता है और समझदार कौन है? कोई सा भी नहीं। नहीं दोनों में से एक का बताना है, लव मैरिज वाला समझदार है या अरेंज मैरिज वाला? बोलने वाले तो मैं लव मैरिज ही हूँ। बता। पर समझदार वे भी नहीं, बाद में झगड़े उनके भी हो। अरे तो बता तो कौन सा, मतलब कौन सा समझदार है? लव मैरिज वाला। लव मैरिज वाला समझदार है? हाँ, वो तो बेवकूफ है क्योंकि वो सिर्फ एक से प्यार करता है, अरेंज मैरिज वाला तो किसी से भी कर ले। एक क्वेश्चन करूँ आपसे, आपके घर के सामने एक घर है, उस घर में 7 चुड़ैल रहती हैं और पूरे एरिया में छोटा सा एरिया है, मतलब 200 बाय 200 गज का, तो उस पूरे एरिया में कितनी चुड़ैल होएंगी? 7। कैसे 7? गलत आंसर है, उस घर में 7 इधर है तो 7 ही रहेगी। और आप अपने आप को भूल गए?